نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम नसीहत और उसके लिए सरासर शिफा जो सीनों में है और ईमान लाने वालों के लिए सरासर हिदायत और रहमत आई है। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। जिस्म जमीनी अज्जा से बना है, उसकी खुराक भी जमीन से आती है, जबकि रूह आसमान से आई है और उसकी गिजा भी आसमानी है। इंसान दुनिया में कितनी भी मादी लज्जतें हासिल कर ले, लेकिन जब तक रूह की नशोनुमा का सामान न करे, कभी खुश नहीं रह सकता। जिस तरह जिस्म बीमार होता है, इसी तरह रूह भी बीमार होती है। कुरान मजीद दोनों तरह की बीमारियों के लिए शिफा है, खुसूसन जिनका ताल्लुक दिल के साथ है। कुरान मजीद की जिस आयत का आज हम मुताला करेंगे, उसमें इसी हकीकत की याद दहानी कराई गई है। या अय्युहन नास, ऐ लोगो, तमाम लोगों से खिताब है, पूरी इंसानियत से। और खिताब करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। क्या फरमा रहा है? कद जाअतकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ चुकी है। क्या आ चुकी है? मौइज़तुन, एक नसीहत आ चुकी है। कहां से आई है? मिर रब्बिकुम, तुम्हारे ही रब की तरफ से आई है। यानी किसी और की तरफ से नहीं, उसकी तरफ से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारा खालिक व मालिक है। वह शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, और वो शिफा भी है जो सीनों में है, दिलों में है। जो इंसान के अंदर घुटन है, तंगी है, तकलीफ है, उसका इलाज भी है इस कुरान में। वह हुदन, और हिदायत भी है। वह रहमतुन, रहमत भी। लेकिन किसके लिए? लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। नसीहत और शिफा तो पूरी इंसानियत के लिए है, और हिदायत और रहमत उसके लिए है जो ईमान लाए। तो खिताब ये किया जा रहा है कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास कुरान आ चुका है जो तुम्हारे दिलों को नरम करता है। मौइज़त वो बाज़ होता है जो दिलों को नरम कर दे, और इसकी वजह से तुम्हारे अहवाल की इसलाह होती रहती है, और ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से उतारा हुआ है। तो यहाँ पर कुरान मजीद की चार सिफात बयान हुई हैं, और इसकी ये खास खसूसियात है कि ये नसीहत है, शिफा है, हिदायत है और रहमत है। सबसे पहले मौइज़त, नसीहत। मौइज़त ऐसी नसीहत को कहते हैं जो इंसान की तवज्जो दुनिया की मशगूलियत से हटाकर अल्लाह की याद और आखिरत के दिन की तरफ मुतवज्जे करे, और इससे दिलों में रिक्कत, दुनिया से बेरगबती और आखिरत से लगाव पैदा हो। तो कुरान पढ़ने वाले फिर इन सिफात के हामिल होते हैं कि उनके दिल नरम हो जाते हैं अल्लाह की याद से, अल्लाह के इस कलाम से। दुनिया के मुकाबले में वो आखिरत को तरजीह देने लगते हैं, और उन कामों से उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है जो उनकी आखिरत में ज्यादा फायदा मंद होते हैं। दूसरी चीज है शिफा। व शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, सीनों के अंदर जो भी बीमारियां हैं, मसलन शिर्क है, निफाक है, हसद है, बुग्ज है, खुदगर्जी है, बुखल है, लालच है, इन तमाम चीजों को दूर करता है कुरान। यानी जो शख्स कुरान पढ़ने का हक अदा करता है, उस पर अमल करता है, उसके दिल से ये बीमारियां दूर हो जाती हैं जो खुद इंसान ही के लिए तकलीफ का बायस होती हैं। तीसरी चीज वहुदन और हिदायत, यानी ये कुरान इंसान की जिंदगी के तमाम शोबों में उसकी पूरी रहनुमाई करता है। वो फर्द के हुकूक के बारे में भी बताता है, वो माशरे के बारे में भी बताता है, और इससे ये कि हर एक के दायरेकार के बाद, हर एक का दायरेकार पता चलने के बाद, फिर एक दूसरे के हुकूक महफूज हो जाते हैं, किसी पर ज्यादती नहीं होती। और चौथी चीज है वह रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए रहमत है। यानी दुनिया में भी बाएं से रहमत है और आखिरत में भी बाएं से रहमत है।
बहरहाल कुरान शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है और अपने रब की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करने वाले हों। कुरान मजीद की दीगर आयात से भी पता चलता है कि कुरान शिफा और रहमत है। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनुनज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमा वरहमतुल लिल मुमिनीन वला यजीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए तो शिफा और रहमत है मगर जालिमों के खसारे ही में इजाफा करता है। मुजाहिद और कतादा कहते हैं, जो भी कुरान के साथ मजलिस इख्तियार करता है तो जब वो उठकर जाता है तो या वो इजाफे के साथ उठता है या कमी के साथ उठता है। ये अल्लाह का वो फैसला है जो उसने किया है कि ये ईमान वालों के लिए सरासर शिफा और रहमत है, यानी जिसके अंदर जितना ईमान होगा उतना ही वो इस कुरान से फायदा उठाएगा और जिसके अंदर ईमान की कमी होगी, जो अपनी जान पर जुल्म करने वाला होगा, उसको न तो कुरान से कोई दिलचस्पी होगी और अगर वो कुरान की मजलिस में बैठे भी, कुरान पढ़े भी, समझे भी, तो फायदे की बजाय उसको नुकसान ही होगा क्योंकि उसके अंदर के वसाविस उसको अल्लाह से और उसकी किताब से और दूर कर देंगे। सूरत फुस्सिलत में आता है कि कुरान मोमिन के लिए शफा और हिदायत और गैर मोमिन के लिए बोझ है। बनी इसराइल में खसारे का लफ्ज था, यहाँ बोझ का लफ्ज है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनून फी आज़ानिहिम वक्रुन व हुवा अलैहिम अमा। कह दीजिए, ये कुरान उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, हिदायत और शिफा है, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है और ये उनके हक में अंधा होने का बायस है। तो इस बात से डरने की जरूरत है कि इस किताब से इंसान हिदायत ही पाए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसका हक अदा ना किया जाए तो ये उल्टा हमारे खिलाफ हुज्जत बने और बोझ बने और फिर हम हक की बात से दूर हों। तो या अय्युहन नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। तो इससे ये पता चलता है कि कुरान में हमारे लिए बहुत सी नसीहतें हैं, और लेकिन ये नसीहत किसके लिए है? जो इसको समझकर पढ़ता है, इसके मानी को जान लेता है और नसीहत की गरज से पढ़ता है, नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ता है, क्योंकि कुरान पढ़ने के कई मकासद हो सकते हैं ना। तो जो शख्स इसको हिदायत के लिए और नसीहत के लिए पढ़ता है तो अल्लाह सुबहान तआला उसको अता फरमाते हैं। वाज में आमतौर पर बंदे को कुछ चीजों की रग़बत दिलाई जाती है, कुछ चीजों से डराया भी जाता है। तो एक वाइज जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है जो मरीज को कुछ चीजों के इस्तेमाल का हुक्म देता है और कुछ चीजों के इस्तेमाल से रोकता है। तो कुरान भी बहुत सी चीजों से हमें रोकता है, यानी उसका वाज क्या है कि कुछ चीजों से वो हमें रोकता है और कुछ चीजों का हमें हुक्म देता है। कुरान किन किन चीजों से रोकता है? मसलन फवाहिश और मुनकरात से रोकता है, जुल्म और ज्यादती से रोकता है, और फिर कुरान को जिक्र भी कहा गया है। जैसे वाज में या नसीहत में एक याद दहानी होती है तो वाज का एक और लफ्ज जो है वो जिक्र भी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हम ही इस नसीहत को नाजिल करने वाले और हम ही इसकी जरूर हिफाजत करेंगे। और एक और जगह पर आता है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान किया है तो क्या है कोई जो नसीहत हासिल करे। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि कुरान का नसीहत के लिए आसान होना कई अकसाम पर मुश्तमिल है। नंबर एक, इसके अल्फाज को हिफ्ज के लिए आसान किया है। नंबर दो, इसके मानी को फहम के लिए आसान किया है। नंबर तीन, इसके अवामिर व मनहियात पर अमल करने के लिए इसको आसान बनाया है। फिर यह है कि ये कुरान तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। फिर यह कि अकल वाले इससे नसीहत पकड़ते हैं, है तो सब जहान वालों के लिए एक नसीहत, लेकिन नसीहत हासिल कौन करता है? जो अकल रखता हो। सूरह साद में आता है, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन
लियतदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है बड़ी बरकत वाली है, ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें और अहले अकल इससे सबक हासिल करें। सूरत यासीन में आता है, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुम व कुरआनुम मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्यन, कि वो तो सरासर नसीहत और वाज़े कुरान के सिवा कुछ नहीं, ताकि उसे डराए जो जिंदा हो। यानी ये कुरान उसको खबरदार करता है जिसका दिल जिंदा हो। तो इब्ने कय्यम कहते हैं कि लोगों की तीन किस्में हैं, एक वो जिसका दिल मर चुका है यानी जिसका कोई दिल ही नहीं, तो ये कुरान उसके हक में नसीहत नहीं बनता। दूसरा वो शख्स जिसका दिल जिंदा और अहलियत रखने वाला है, लेकिन वो कुरान की आयात को कान लगा के नहीं सुनता, दिल से नहीं सुनता, कि जिसके जरिए अल्लाह की उन निशानियों के बारे में खबर अल्लाह ताला दे रहे हैं जो दिखाई देने वाली हैं, तो उनके ऊपर फिर वो तवज्जो भी नहीं करता। तो या तो वो आयात उस तक यानी पहुंची नहीं, या पहुंची है तो उसका दिल किसी और तरफ मशगूल है, यानी अहलियत है लेकिन उस तक वो बात पहुंची नहीं कि जिसको वो लेकर आगे बढ़े, तरक्की करे। तो फिर दूसरी सूरत यह है कि पहुंच गई और वो तवज्जो नहीं कर रहा, दिल गैर हाजिर है। यानी एक वो जिसका दिल हाजिर है, दूसरा वो जिसका दिल गैर हाजिर है, उसको भी नसीहत नहीं होती हालांकि उसमें अहलियत मौजूद होती है। और तीसरा वो शख्स है जिसका दिल भी जिंदा है और अहलियत भी रखता है, और जब उस पर आयात तिलावत की जाती है तो वो अपने कान लगाता है और अपने दिल को हाजिर करता है, और जो कुछ वो सुन रहा होता है वो उसी की तरफ मुतवज्जे होता है, इधर उधर नहीं उसका दिल भटकता। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं वही दरअसल इन आयात से भी फायदा उठाते हैं जो तिलावत की जाती हैं, और उन आयात से भी फायदा उठाते हैं जो मुशाहदे से ताल्लुक रखती हैं, जैसे पहाड़, आसमान, जमीन वगैरह। फिर इसी तरह यह है कि इसमें इससे ये भी पता चलता है कि जो इल्म हासिल करता है और तवज्जो से हासिल करता है वही इस कुरान से फायदा उठाता है। وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ। ये مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو کوئی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور اور فکر تک اور تدبر کرے۔ ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرتا ہے تو حق کا راستہ اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے دو شرائط بتائی ہیں کہ تدبر اور ہدایت کی تلاش ہو تب انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف باتیں کرنا ہے یا اس میں غور و فکر کرنا ہے یا اس کے نئے نئے پہلو نکالنا ہے، لیکن وہ عمل کی نیت سے نہیں لیتے اس کو، وہ محض قرآن کے معنی جاننا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے کہ جس کی روشنی میں پھر وہ سیدھے رستے پہ چل سکیں۔ تو جب آپ قرآن میں غور کریں، تدبر کریں، تو ساتھ ہی اس سے ہدایت کی نظر سے پڑھیں، یعنی وہ تدبر ہدایت کی نظر سے ہو اور پھر اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ قرآن مجید کے نصیحت کے انداز کیا ہیں؟ اس میں نمبر ایک خوشخبری دینا، نمبر دو ڈرانا، یعنی نصیحت کے لیے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی۔ اور آپ یہ غور کریں گے قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں خوشخبری کی بات آئی ہے وہاں عذاب کی بات بھی آئی ہے، اور جہاں کہیں عذاب کی بات آئی ہے وہاں خوشخبری کی بات بھی آئی ہے۔ پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں سوال بہت ہے، اس کو اسلوب استفہام کہتے ہیں، کہ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن واقعات کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واقعات کے ذریعے، یعنی اوپر ہم نے جو مین آیت پڑھی اس میں آیا نا کہ یہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، تو نصیحت کس کس انداز میں؟ ڈرا کے، خوشخبری دے کے بھی، سوال کر کے بھی، اور واقعات سنا کے بھی، یعنی پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔
और हम रसूलों की खबरों में से हर वो चीज तुझसे बयान करते हैं जिसके साथ हम आपके दिल को साबित रखते हैं, और आपके पास उनमें हक और मोमिनों के लिए नसीहत और याद दहानी आ गई है। और फिर अव्वलीन और आखरीन की खबर देकर, यानी कौमों के वाकयात भी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि कुरान में गौर व फिक्र करे, इसलिए कि इसमें पहले और पिछले तमाम उलूम मौजूद हैं, यानी हर दौर के मुताबिक ये कुरान नसीहत करता है। दूसरी सिफत जो इस कुरान की इस आयत में बताई गई है वो है वह शिफा लिमा फिस सुदूर, कि कुरान में शिफा है। इब्ने कय्यिम कहते हैं कुरान सीने की बीमारियों के लिए शिफा है, ये उन वसवसों ख्यालात और फासिद इरादों को खत्म कर देता है जो शैतान दिल में डालता है। और सीने को खास करने की वजह क्या है? क्योंकि ये दिल और दीगर आज़ा का मकाम है, यानी सारे आज़ा हमारे दिल के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर दिल को कोई तकलीफ पहुंचती है तो सारे आज़ा मुतासर होते हैं। तो इस वजह से खासतौर पर सुदूर का लफ्ज़ आया, यानी जो सीनों के अंदर दिल को महफूज किया गया है। और हकीकत यह है कि दिल की लाइलाज बीमारियों की शिफा कुरान के अंदर है। एक दिल वो होता है जो ईमान से आबाद होता है, इल्म और हिदायत के नूर से भरा हुआ होता है, ये दिल जिंदा होता है। दूसरे वो दिल जो ईमान से खाली होता है और वही के उलूम से खाली होता है, तो ये मुर्दा दिल होता है। तो दिल के मुर्दा होने के दो असबाब हैं, नंबर एक जहालत और नंबर दो तकब्बुर। जहालत जो है दिल और ईमान और नूर के दरमियान रुकावट बन जाती, और तकब्बुर इंसान को इल्म हासिल नहीं करने देता। तो कुरान जहालत को खत्म करने का जरिया है। जब दिलों की जहालत खत्म हो जाती है तो दिल ईमान के साथ लहलहाने लगते हैं, कुरान से मुनव्वर हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। तो कुरान में जो शिफा है वो तीन तरह से हुई। एक ये कि गुमराही से शिफा, क्योंकि इसमें हिदायत है। दूसरे बीमारी से शिफा, क्योंकि इसमें बरकत है। और तीसरे फराइज और अहकाम को मालूम करने के बारे में शिफा, क्योंकि इसमें हर चीज की वजाहत है। क्योंकि इंसान ये कह के है पता नहीं चलता कि अल्लाह को कैसे राजी करें, कौन से काम करें कौन से ना करें, तो कुरान उसकी खूब तफसील बता देता है। और वैसे उमूमी तौर पर शक, तकबर, हसद, निफाक, बुग्स, हम गम, इन जैसी बीमारियों के लिए शफा। ये चीजें इंसान को जो आमतौर पर बेचैन रखती हैं, जब इंसान कुरान के साथ गौर फिक्र के साथ मामला करता है, उसको समझता है, तो ये चीजें बहुत छोटी मालूम होती हैं, बहुत पेटी लगती हैं कि ये मैं अपने दिल में क्या किसी के बारे में बात लेके बैठी हुई हूँ। ये तो कोई मसला ही नहीं जिसको मैं मसला समझे हुए हूँ, मसाइल तो इससे कहीं ज्यादा बड़े। और हकीकत यह है कि कुरान इंसान को आखिरत की फिक्र लगा देता है, और जब इंसान को आखिरत की फिक्र लग जाती है तो दुनिया के मसाइल और दुनिया के हम गम बहुत छोटे होने लगते हैं। और हकीकत है कुरान अपने अल्फाज और अपने मानी और अपने मफहूम के एतबार से दिलों पे असर रखता है। अगर सिर्फ इसकी खूबसूरत अंदाज से तिलावत ही की जाए तो वो भी एक मरहम का काम देती है। इसी तरह कुरान के जरिए अगर किसी को नसीहत की जाए तो वो भी दिल पे असर करती है। तो इसकी नसीहत से बड़ी नसीहत किसी की नहीं, इसकी नसीहत से ज्यादा कवी नसीहत किसी की नहीं। और जो शख्स कुरान के बगैर किसी और चीज पर इनसार कर लेता है वो गुमराह हो जाता है, और जो कुरान से नसीहत हासिल नहीं करता उसके लिए और कोई नसीहत करने वाला नहीं हो सकता। यानी जो अल्लाह की नहीं मानता फिर वो और किसी की क्या मानेगा। रूहानी बीमारियों में आमतौर पर जैसे नजर, हसद वगैरह और जादू या जिन्नात का असर, इस तरह की बहुत सारी चीजें अमूमी तौर पर लोग इनका शिकार हो जाते हैं और उनकी वजह से परेशान रहते हैं। तो कुरान मजीद की तिलावत करने से, खासतौर पर सूरत अल फातिहा की तिलावत करने से ऐसी बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कुरान सिर्फ रूहानी बीमारियों का इलाज है, कुरान जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा का बायस है, और कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इब्न कय्यम कहते हैं दिलों और जिस्मों की बीमारियों में से कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज उसके सबब की तरफ रहनुमाई का जरिया कुरान में मौजूद ना हो। बल्कि इमाम कुर्तुबी तो कहते हैं कि कुरान के हर हर्फ में शिफा है,
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, اور ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے, کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے, اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں, پورا قرآن ہی شفا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ صرف ایک ہی چیز کو لے لیتے ہیں اور باقی کو نہیں لیتے, تو اس میں یہ کہ پورا ہی قرآن شفا ہے, کیونکہ کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی, کیونکہ یہ وہ کلام ہے, اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, اگر زمین پر نازل ہو جاتا تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا. لیکن اس کے لیے انسان کو یقین چاہیے کہ یقینی طور پر شفا قرآن کے اندر ہے. یعنی اس سے شفا کی اہلیت نہیں رکھتا کوئی, مگر یہ کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اس پر یقین کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں, اور قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں, کہ اگر کوئی کہے شعر و شاعری میں شفا ہے یا اور کسی کے کلام میں, تو ایسا نہیں. ابو نصر رملی کہتے ہیں, ہم مکہ میں فضیل بن عیاض کے پاس آئے, ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمیں علم لکھوائیں, تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو ضائع کر دیا ہے اور تم فضیل اور سفیان بن عیینہ کے کلام کو طلب کرتے ہو, بس اگر تم خود کو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کر لیتے تو جو کچھ تم چاہتے ہو تم اس قرآن میں اس کی شفا پا لیتے. یعنی سب سے پہلے اور سب سے اہم علم جو حاصل کرنا چاہیے وہ قرآن کا ہے, یعنی جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہے, اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اہمیت دے یا توجہ دے, کیونکہ اگر کسی کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا یا قرآن کی حکمتیں اگر کسی نے نہیں جانی, تو پھر دنیا کے باقی علوم کے بارے میں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور کتنی حقیقت ہے, کیونکہ اصل حقیقت تو قرآن ہی بتاتا ہے. اور جو شخص, ابن الجوزی کہتے ہیں, جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے, اور قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینے میں سے ہی ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن بہترین رقیہ ہے, یعنی نظر بد, جادو, جنوں کے چمٹنے, اور اس کے علاوہ بھی قلب و روح کی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت بڑی شفا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے پاس تشریف لائے, تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی یا ان کو دم کر رہی تھی, تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ اس کو دم کرو, اس کا علاج کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت لاحق ہوا تو آپ معوذات جن کو پڑھ کے آپ دم کیا کرتے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے جو ہیں, جیسے سورۃ الفاتحہ ہے, تو اس کا نام بھی الشفا ہے, یعنی سورۃ فاتحہ خاص طور پر شفا دینے والی, کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگی جاتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی شفا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو, کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. پھر اسی طرح سورت البنی اسرائیل میں آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے زیادہ درست رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے, اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے.
तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई शख्स वाकई हिदायत का, सीधे रास्ते का, हक का मतलाशी है, तो उसको कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए। फिर इसी तरह ये कि ये सलामती की राहें दिखाने वाली किताब है। कुरान मजीद में आता है, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ। सूरत अलमायदा की आयात है, जिनका मतलब है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और वाजे किताब आई है, जिसके साथ अल्लाह उन लोगों को जो उसकी रजा के पीछे चले सलामती के रास्तों की हिदायत देता है। फिर इसी तरह यह है कि ये किताब जिंदगी के तमाम मामलात में रहनुमाई देती है, बशर्ते कि इंसान रहनुमाई की गरज से इसकी तरफ रुजू करने वाला हो। कुरान मजीद में आता है, वनज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शय हुदा व रहमतन व बुशरा लिलमुस्लिमीन। और हमने जो तुझ पर ये किताब नाजिल की इस हाल में कि हर चीज का वाज़े बयान है, यानी आप जिंदगी के किसी भी मसले के बारे में इससे रहनुमाई हासिल करना चाहें, इसको पढ़ते चले जाएं, आप रहनुमाई पा जाएंगे। इमाम शाफी के बारे में आता है कि उन्होंने एक मसले की तहकीक में 300 बार कुरान का मुताला किया, 300 बार उसको पढ़ा। जब जाकर उनको एक आयत मिली जो उनके उनके लिए, यानी कि जिस चीज की वो तलाश में थे, उसका भरपूर जवाब था। लेकिन हम आमतौर पर एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रही, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, पढ़ते रहें और बार बार पढ़ते रहें, आप देखेंगे कि आपको अपने मसाइल का, चाहे वो किसी भी किस्म के हो, उनका हल आपको कुरान में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जल्दी ना करें, इसके लिए वक्त निकालें। फिर एक और जगह पर सही मुस्लिम में आता है कि कुरान में हिदायत और नूर है। जैद रजी अल्लाह अनहु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो ऐ लोगो, मैं एक इंसान हूं, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं उसे कबूल कर लूं, यानी मौत के फैसले को, और मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, उनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, तो तुम अल्लाह की किताब को पकड़े रखो और इसके साथ मजबूती से जुड़े रहो। और आपने अल्लाह की किताब पर बहुत जोर दिया और उसकी खूब रग़बत दिलाई। फिर आपने फरमाया, दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। ये बात आपने 3 बार फरमाई। फिर इसी तरह यह है कि ये गुमराही से बचाने वाली किताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब ही अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पर रहेगा और जो छोड़ देगा वो गुमराही पर रहेगा। जैसे कि एक और आयत में, एक और हदीस से पता चलता है कि ये अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा बंदे की तरफ है। अब अगर बंदा इस दूसरे सिरे को पकड़ लेगा, यानी कुरान को मजबूती से थाम लेगा, तो यकीनन वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा और अल्लाह सुबहानु ताला के रास्ते पर ही चलेगा। फिर इसी तरह ये शयातीन की गुमराही से बचाने का जरिया है। अब्दुल्ला फरमाते हैं, बेशक इस सीधे रास्ते पर आमदो रफ्त रहती है, यहाँ शैतान आते रहते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, उस दूसरे रास्ते पे आ जाओ, बस तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और बेशक कुरान अल्लाह की रस्सी है। यानी जब इंसान के दिल में ये ख्यालात या वसवसे आने लगे कि इस काम को छोड़कर कुछ और कर लिया जाए, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सॉरी अब्दुल्ला बिन मसूद की ये नसीहत याद रखें कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, बेशक कुरान ही अल्लाह की रस्सी है, यानी इसको नहीं छोड़ना। तो इसी तरह कुरान की तालीम के बदौलत इंसान को रोशनी और फुरकान मिलता है, हक को बातिल में फर्क करने की सलाहियत मिलती है, सही और गलत की पहचान मिलती है। सूरत अत्तलाक में आता है, रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। एक ऐसा रसूल जो तुम्हें अल्लाह की वाज़े आयात पढ़कर सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ लाए। तो चाहे गमों का अंधेरा हो या जहालत का अंधेरा हो, किसी भी किस्म, या कुफर का अंधेरा हो या निफाक का अंधेरा हो, किसी भी तरह का गम दिल पे छाए,
फिक्र और परेशानी छाए तो फिर क्या करना चाहिए? जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अल्लाह ने एक ऐसा रसूल भेजा जो तुम्हें अल्लाह की वाज़े आयात पढ़कर सुनाता है, क्योंकि हर शख्स खुद पढ़ना नहीं जानता, पढ़कर उस तरह का मतलब नहीं समझता जो समझना चाहिए। तो यहां पर इस बात की वजाहत कर दी गई। फिर इसी तरह यह है कि कुरान को नूर भी कहा गया है, यानी हिदायत भी रहनुमाई करने वाली चीज है, नूर से भी इंसान को राह मिलती है। वह अनजलना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़े नूर नाजिल किया है, यानी कुरान मजीद। फिर कुरान की बदौलत हिकमत और दानाई मिलती है। काब रजी अल्लाह अनहु कहते हैं, कुरान को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि वो अकल की तेजी, हिकमत की रोशनी और इल्म का सर चश्मा है, और रहमान की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों में सबसे नई किताब है। अल्लाह ने तौरात में ये बात फरमाई है, ऐ मोहम्मद, मैं तुम पर जदीद तौरात नाजिल करूंगा जो नाबीना आंखों, बहरे कानों और गफलत में पड़े हुए दिलों को खोल देगी। तो इससे ये भी पता चलता है कि इससे इंसान बेहतर देखने लगता है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि चीजों की हकीकत, लोगों की हकीकत, दुनिया की हकीकत समझ में आने लगती है। और इसी तरह ये कि इंसान इंसान के सुनने का अंदाज बदल जाता है। पहले वो सिर्फ अपनी पसंद की सुनना चाहता है, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद उसके अंदर ये वसत भी आ जाती है कि वो अपने अलावा दूसरों की भी सुने, और हर अच्छी बात को सुनने का वो शौकीन हो जाता है। फिर इसी तरह गफलत में पड़े हुए दिलों को खोल देती है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम जब पढ़े तो दिल के साथ पढ़े, ताकि दिल की गफलत दूर हो। कुरान गुनाहों से बचाने का जरिया भी है, यानी सिर्फ हिदायत की राह, अमल की राह नहीं दिखाता बल्कि गुमराह होने से बचाता भी है, गुनाहों से बचाता भी है। तो कुरान को हिदायत की गरज से पढ़ना चाहिए कि इससे रहनुमाई हासिल करें। हसन बसरी कहते हैं, कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जाए और इस पर अमल किया जाए, लेकिन लोगों ने महज इसकी तिलावत को अपना अमल बना लिया है। वो समझते हैं कि हम तिलावत कर रहे हैं तो हम इसका हक अदा कर रहे हैं। तो नुज़ूल कुरान का मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है, यानी कुरान अल्लाह ने सिर्फ इसलिए नहीं नाजिल किया कि ये बस एक दूसरे का मुकाबला करो कि मैंने कुरान रमजान में 7 कुरान खत्म कर लिए और मैंने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप हर रमजान में जितना नाजिल होता था उतना जिब्रील अलैहि सलाम के साथ दौर किया करते थे, और आखिरी साल आपने 2 दफा किया। ठीक है, आप 2 दफा जरूर पढ़ें, मसलन तरावी में पढ़ लें और 1 दफा देख के वैसे बैठ के पढ़ लें। अगर आप हाफिज हैं तो आप इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आप अपने कामों के साथ साथ अपना कुरान दोहरा सकते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत बख्शी है। लेकिन ये याद रखा जाए कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया, कि हम इसी के ही होकर रह जाए या इसी में ही खो जाए। कुरान तो हमें हिदायत देने के लिए आया। सबसे पहली आयत जो कुरान का तारुफ करवाती है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब जिसमें कोई शक नहीं मुत्तकीन के लिए हिदायत है, यानी ये आई ही हिदायत देने के लिए, राह दिखाने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, सही और गलत का फर्क बताने के लिए। और फिर जितना जितना इंसान इस पर तदब्बुर करता जाता है उतना ही उसको रहनुमाई बेहतर तौर पर मिलती जाती है, क्योंकि कुरान पर तदब्बुर से ही हिदायत मिलती है। इब्न तैमिया कहते हैं, मन तदब्बर अल कुरान तालिब अल हुदा मिनहु तबयन लहु तरीकुल हक, जो हिदायत की गरज से, हिदायत की नीयत से कुरान में तदब्बुर करता है उसके लिए हक का रास्ता वाजे हो जाता है, और जो तदब्बुर ना करे उनकी मजम्मत भी की गई है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, तो क्या ये वो कुरान क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं? तो बाज लोगों को हो सकता है तदब्बुर का माना ना आता हो। तदब्बुर का मतलब गौर व फिक्र करना होता है, यानी पै दर पै उसको पढ़ना होता है, रिपीटिशन करनी होती है, और उसके मफहूम और माने को मुख्तलिफ जगहों से देख कर, तफसीरें पढ़कर उसको बताना होता है, खुद भी और दूसरों को भी। फिर कुरान की महज तिलावत करने और इस पर अमल ना करने वाले की सजा भी है,
यानी हम समझते हैं कि हम तिलावत करके या सिर्फ पढ़ के या दूसरों को पढ़ा के कामयाब हो गए और यही काम रह गया दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा अपना अमल उसके मुताबिक नहीं होता तो बहुत सख्त वईद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेराज की रात ऐसे लोगों पर गया जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे, जब भी वो काटे जाते तो वो मुकम्मल हो जाते। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो वो बात कहते थे जो खुद नहीं करते थे। बाज़ुकात हम चीज फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि उस पर हमने खुद भी अमल किया या नहीं, या वो हमें समझ भी आई या नहीं। फिर इसी तरह ये है कि अगर कोई शख्स इससे मुंह मोड़ता है, तकबर करके इस पर अड़ा रहता है, गोया उसने कुछ सुना ही नहीं, तो कुरान में आता है, फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम, उसको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। यानी अगर वो गौर व फिक्र नहीं करता और आयात सुनता है, तकब्बुर करते हुए अपने मर्जी और अपनी ख्यालात पे अड़ा रहता है, तो फिर उसके लिए अजाब की बशारत है। फिर इसी तरह कुरान से गफलत बरतने वाले की सजा एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ख्वाब में आपने देखा कि एक शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, वो कुरान का हाफिज था, मगर वो इस कुरान से गाफिल हो गया और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाया करता था। और चौथी सिफत इस किताब की है, वह रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान रहमत है मोमिनों के लिए। रहमत से मुराद वो भलाई, एहसान, दुनियावी और उखरवी सवाब है जो हिदायत याफ्ता इंसान को हासिल होता है। यानी कुरान रहमत है, और ये रहमत किसको हासिल होती है? जो हिदायत पर होता है। तो मालूम होता है कि हिदायत बेहतरीन वसीला है और रहमत मतलूब है, और सिर्फ इसकी तरफ सिर्फ अहले ईमान ही को रहनुमाई हासिल होती है, और अहले ईमान ही इसकी रहमत से नवाजे जाते हैं, और ये ईमान वालों के लिए ही हिदायत और रहमत है। कुरान मजीद में आता है, वह हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और फिर जो इस कुरान का इनकार करता है तो ये कुरान उनके अंधेपन का सबब बन जाता है, और इसके साथ कुफर करने की सजा आग, हमेशा की भड़कती हुई आग हो जाती है। इसीलिए कहा कि ये ईमान वालों के लिए रहमत है, जो ईमान नहीं लाते इस पर उनके लिए रहमत नहीं बनती बल्कि अंधेपन का सबब बनती है। फिर इसी तरह जो लोग इस किताब को थाम ले वो अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे। सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरं मुबीना फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व अतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ह दलील आ चुकी है, और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ह नूर नाजिल किया है। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसे मजबूती से थाम लिया, तो अनकरीब वो उन्हें अपनी खास रहमत और फजल में दाखिल करेगा और उन्हें अपनी तरफ आने की रहनुमाई अता करेगा। तो इससे भी ये बात पता चलती है, इस आयत से भी ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल हासिल करने के लिए ईमान लाकर इस किताब को मजबूती से थामना जरूरी है। और मजबूती का मतलब ये नहीं कि बस बस जकड़ पकड़ के रखे इसको, मतलब ये कि इसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो हमारा। फिर इसी तरह जब तिलावत कुरान होती है घरों में, तो उस वक्त फरिश्ते उस घर को ढांप लेते हैं, उन घरों को ढांप लेते हैं। जैसा कि इस हदीस में आता है, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में मसरूफ होते हैं, उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करता है। घरों से शयातीन भाग जाते हैं, इसकी बदौलत जान और माल और औलाद में बरकत होती है। अल्लाह ताला इसके जरिए कुछ लोगों के दर्जात बुलंद करता है, दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी। इमाम इब्राहिम मकदसी अपने शागिद अब्बास बिन अब्दुद्दायम को कहा करते थे, कुरान
कुरान की तिलावत कसरत से करो और इसे तर्क ना करो, तो जो तुम तलब करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए इतना ही आसान हो जाएगा जितना तुम किरात करोगे। यानी किसी मकसद के लिए आप अगर पढ़ते हैं तो जितना आप पढ़ते जाते हैं और दिल की हुजूरी भी होती है तो उतना ही आपका मसला जल्द हल होता है। फिर इसी तरह यह है कि दुनिया और आखिरत में निजात मिलती है, बेपनाह अजर मिलता है और आखिरत में खासतौर पर कब्र के अजाब से हिफाजत का जरिया है। कयामत के दिन कुरान इंसानी शक्ल में आएगा और जिसका रंग उड़ा हुआ होगा वो कहेगा, मैं ही वही हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुझे बेदार रखा, और यानी रात जिसने तुझे रात में बेदार रखा यानी तहज्जुद या तिलावत तरावी वगैरह के लिए, और दिन में तुझे प्यासा रखा। क़यामत के दिन कुरान सफारशी बनकर आएगा, बंदे पर साया करेगा, इंसान के लिए गवाही देने वाला होगा। कारिये कुरान के लिए इज्जत का ताज और अल्लाह की रजामंदी नाजिल होगी। वालदैन के सर पर नूर का ताज पहनाया जाएगा। कुरान पढ़ने वालों का जन्नत में बेहतरीन मकाम होगा, और जब सब लोग वहां चले जाएंगे और किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और सब खुश हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए नेमतें ही नेमतें होंगी उसके लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत और रहमत अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत। फिर ये खास दुआ है जो कुरान से मुतल्लिक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका मादिन फी हुक्मुका अदलुन फी कदाउका अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लका समैत बिही नफ्सका औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किका औ अंजलतहु फी किताबिका अव इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदका अंतज अल कुरआन रबी अकल्बी व नूर सदरी व जला अहुजनी व जहाब हम्मी व गम्मी। ये दुआ जो है इंसान का रंजो गम भी दूर करती है और कुरान को सीने की बहार बना देती है। आप भी आजमा कर देखिए, बहुत फायदेमंद दुआ है। तो करने के काम ये है कि कुरान से ज्यादा ताल्लुक जोड़ना चाहिए, अल्लाह के खास बंदे बनना चाहिए, क्योंकि कुरान वाले ही अल्लाह के खास बंदे हैं। कुरान सुनते वक्त सोच अकल दिल को हाजिर रखें। फिर इसी तरह कुरान सुनते वक्त इबरत और नसीहत हासिल करें। अकेले बैठकर कुरान के साथ वक्त गुजारें और उस पर गौर व फिक्र करें, कभी मिलकर भी पढ़ें। फिर कुरान को अमल के लिए सीखें। हम देखते हैं कि सलफ सालहीन अमल के लिए कुरान सीखते हैं। वो कहते हैं कि हमें से जब कोई 10 आयात पढ़ लेता तो जब तक उससे फायदा पूरा ना उठाता वो आगे नहीं बढ़ता था। फिर कुरान के हुरूफ के साथ साथ उसकी हुदूद का भी ख्याल रखें, अपने अमल से कुरान की तस्दीक करें, जितना भी इल्म हासिल हो जाए उसको आगे पहुंचाएं। कुरान को आगे सिखाने का बहुत ज्यादा सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह अज़्ज़वजल्ला की किताब की एक आयत भी सिखाई जब तक उसकी तिलावत की जाएगी उसको उसका सवाब होगा। कुरान पढ़कर संग दिल न बने, अपने अंदर नरमी पैदा करें। तो बहरहाल ये थी कुरान की सिफात जो इस आयत नंबर 57 सूरत यूनुस में बताई गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वाकई हमारे लिए इस किताब को नसीहत, शिफा और हिदायत और रहमत बना दे। अल्लाह हमें ईमान की बुलंदियां नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته